बच्चों हम अध्याय 9 शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने चैप्टर हम देख चुके हैं, इसके हम प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले है मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मगर मुगल दरबार में जो पांडुलिपियां क्या होती हैं, जो हम लिखित रूप में रखते हैं या लिखित रूप में जो हमें सारी चीजें जो प्राप्त होती है, पांडुलिपि मतलब एक जो भाषा होती है ना, लिखित, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो उसमें ये पांडुलिपियां तैयार की जाती है। तो इसमें जो पांडुलिपियां तैयार करने की एक लंबी प्रक्रिया होती थी, जो पांडुलिपियां होती थी उसकी एक क्या होती थी, तैयार करने की एक लंबी प्रक्रिया होती थी, जिससे कि इस प्रक्रिया में कई लोग शामिल होते थे, जिसमें कि अलग अलग वे दक्ष होते थे। जैसे कई होते थे, जैसे पांडुलिपियां जो मतलब तैयार करते थे, कुछ होते थे जो कागज बनाने के लिए जो स्याही होती थी उसको बनाया जाता था, दवात बनाई जाती थी, और कुछ ऐसे पन्ने तैयार करते थे जो अत्यंत सुंदर लगे और साथ ही साथ उसको देखने में भी अच्छा लगे, और कई ऐसे होते थे कि जो उसमें चित्र बनाए जाते थे। इस तरह से हम देखेंगे सरकंडे के टुकड़े को स्याही में डुबोकर लिखा जाता था, और उसके बाद कोफ्तगार में जो प्रश्नों को चमकाने के लिए कई काम करते थे जो चित्रकार होते थे, वह पाठ के दृश्यों को चित्रित करते थे। फिर हम देखेंगे मुगल दरबार में जुड़े हुए जो दैनिक कर्म है विशेष उत्सवों में, वो किस तरह से वे बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित करते थे। तो यहाँ पर दरबार में किसी की भी हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास या दूर बैठा है। इससे ये समझ में आता था कि जो शासक है उसके वह कितना करीब है और कितना दूर है। और कई बार ऐसी होती थी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं होती थी, और ना ही उन्हें कोई अनुमति के बिना दरबार के बाहर भी जा सकता था, क्योंकि दरबार में समाज में जो सामाजिक नियंत्रण जो होता था उसमें व्यवहार दरबार के मान्य संबोधन शिष्टाचार और सारी बोलने की प्रक्रिया निर्धारित होती थी, जिससे ये पता चल जाता था कि वह किस तरह से वह राज दरबार में सम्मान कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे मुगल दरबार में शाही परिवार में स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन करना है। मुगल शाही परिवार में भी कई ऐसे बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां होती थी जिनसे उनके नजदीकी संबंध होते थे, दूर के रिश्तेदार होते थे, जैसे कि माता पिता, सौतेली माँ, उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, जैसे कई ऐसे जो उनके बच्चे होते थे, जिसके कारण भी ये शाही जो मनसबदार जो होते थे उन पर भी वार्षिक आय होती थी, जिसमें अतिरिक्त जो जहां आरा की सूरत में बंदरगाह नगर जो है विदेशी व्यापार है एक लाभप्रद केंद्र के रूप में राज्य प्राप्त होता है। जहां आरा ने भी एक नई शहंशाह की नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली के कई ऐसे वास्तुकलात्मक परियोजनाओं का हिस्सा है, जहां पर की इसे और आंगन, बाग और दो मंजिले भवन भी निर्माण में मिलते हैं। इससे हम देखेंगे अकबर ने अबुल फजल की जो है उनने उनके शासन काल में जो इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, उसने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय में अपने संस्मरणों को उसने आग्रह किया था, जिसमें कि मुगल दरबार में वह किया था। इस तरह से हम देखेंगे कि उसमें कुछ संघर्ष सुलझाने के बाद परिवार की उम्रदराज स्त्रियां जो होती थी वह भूमिकाओं के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखेंगे कौन है जो कि जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर गए क्षेत्रों में अपने मुगल नीतियों के विचारों का आकार प्रदान किया है, मतलब वे कौन से मुद्दे है ना। तो मुगल साम्राज्य के बादशाह के देश में सीमाओं से जो परे थे, है ना, परिस भी थे और राजनीतिक दावे भी वे प्रस्तुत करते थे, जिससे कि हम देखेंगे मध्यकाल में अफगानिस्तान से ईरान के मध्य भी एशिया में ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र जो हुए थे। फिर मुगल के लिए काबुल की सुरक्षा के लिए ये सारी चीजें मैंने एक बार आपको चैप्टर पढ़ाते समय समझा चुकी हूँ, इसलिए इसको शॉर्ट में ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको समझा रही हूँ, और साथ ही साथ इसको आप लोगों को नोट्स भी बनाते जाना है। फिर मुगलों के लिए काबुल की सुरक्षा के लिए कंधार में अधिकार निर्मित किया गया था। फिर भारत के पश्चिमी एशिया
व्यापार के लिए स्थल मार्ग स्थित होने के कारण कंधार जो था वह एक व्यापारिक दृष्टि से उचित था, क्योंकि भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से सभी तरफ हम व्यापार कर सकते थे। इसके साथ साथ कंधार मुगल और ईरानी साम्राज्य की सीमा पर स्थित था और दोनों राज्यों के इसका विशेष महत्व था। इसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि दोनों ही शक्तियां जो थी कंधार पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए निरंतर वह प्रयत्नशील रही हैं। फिर देखेंगे मुगल प्रांतीय प्रशासन के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। तो किस तरह से प्रांतों पर नियंत्रण रहता था, मतलब जो प्रांत होते थे उनमें वह किस तरह से नियंत्रण रखते थे, इसमें मुगल काल के विभिन्न सम्राटों के जो शासन काल में प्रांत जो थे उसमें भिन्न भिन्न रही है, क्योंकि अकबर ने शासन काल में प्रांतों की संख्या 15 थी और उसके बाद शासन 17 और शाहजहां के काल शासन काल में संख्या जो है 22 तक पहुंच गई थी। फिर देखिए प्रांतीय शासन व्यवस्था के मुख्य अभिलक्षण जो थे वह इस प्रकार थे, जैसे सूबेदार थे, सूबेदार प्रांत का सर्वोच्च होता था, दीवान जो होता है दीवान प्रांत का प्रमुख होता था, ये अधिकारी होते थे, दीवान जो होता प्रमुख वित्तीय अधिकारी होता था। उसी तरह से बख्शी बख्शी जो होता था वह सैन्य विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। उसी तरह से ये जो प्रक्रिया है ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, जिसको कि हम क्या कहते हैं बकिया या नवीश बाकिया भी कहते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर कोतवाल, कोतवाल जो होता था वह प्रांत की राजधानी के महत्वपूर्ण नगर कहते हैं, सुरक्षा के प्रति उस व्यवस्था होती थी। उसके साथ साथ सदर और कांजी प्रांत में जो सदर में कांजी का पद जो होता था वह एक ही व्यक्ति को दिया जाता था, वह उस तरह से प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करता था और साथ ही साथ वह प्रांत का मुख्य न्यायाधीश भी होता था। फिर देखेंगे मुगल सम्राटों पर प्रांतों के केंद्र का नियंत्रण रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम भी उन्होंने उठाए थे। तो कौन कौन से उठाए थे, सम्राट स्वयं प्रांतीय प्रशासन का पर्याप्त रुचि लेता था, साथ ही साथ वह प्रांत में मुख्य अधिकारी सूबेदार जो होते थे उनको नियुक्त करता था, सम्राट के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती थी और उनका उत्तरदायित्व होता, सम्राट वफादार उत्तरदायित्व निभाते थे। फिर देखेंगे प्रशासनिक कार्य कुशलता, सूबेदार की जो व्यक्ति थे उसमें असीमित वृद्धि हुई थी। फिर उसी तरह प्रांतों में कुशल गुप्तचर व्यवस्था जो थी उसकी भी स्थापना की गई थी और सम्राट द्वारा ही समय समय पर स्वयं प्रांतों का भ्रमण किया करते थे, जिससे कि जो चीजें हमें प्राप्त हो रही वह सही है या नहीं, और साथ ही साथ वह लोगों के बीच में जाकर जनता के बीच में जाकर भी जारी जानकारियां भी जुटा लेते थे।